बात अब बीजेपी में बगावत की करेंगे। हरियाणा में बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने बीजेपी छोड़ अलग पार्टी बना ली है। सैनी ओबीसी जातियों की राजनीति करते रहे हैं। हरियाणा में जाट पहले ही बीजेपी के साथ कम है, ऐसे में ओबीसी की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। राजकुमार सैनी हरियाणा के उस कुरुक्षेत्र के सांसद हैं जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी, लेकिन 2019 के महाभारत में राजकुमार सैनी अपना अलग तंबू लगाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजकुमार सैनी ओबीसी की राजनीति करते हैं। सांसद बनने के साल भर बाद बागी हो गए थे, अब अपनी नई लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बना ली है। हरियाणा जाट बहुल राज्य है, लेकिन सैनी की राजनीति जाट विरोधी रही है। इसी राजनीति के दम पर वो सियासत में अलग मुकाम तलाश रहे हैं। 10 सीटों वाले हरियाणा में पहले से ही त्रिकोणीय लड़ाई है। 2014 में बीजेपी को 7, कांग्रेस को 1 और चौटाला की पार्टी INLD को 2 सीट मिली थी। जाट पहले से ही चौटाला के साथ हैं। मायावती और चौटाला का यहां गठबंधन है। अगर ओबीसी ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो जाट, दलित और ओबीसी की नाराजगी बीजेपी को हरियाणा में महंगी पड़ सकती है। वैसे भी बीजेपी के बागी नेताओं की देश भर में कमी नहीं है। सैनी ने बगावत का बिगुल बजाकर बाकी बागियों को भी बोलने का मौका दे दिया। बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद बीजेपी के दो बड़े बागी चेहरे हैं। शत्रुघ्न पटना साहिब से और कीर्ति आजाद दरभंगा से सांसद हैं। दोनों का टिकट इस बार बीजेपी काट सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों पार्टी से बाहर चले जाएं तो चौंकिएगा मत। वैसे भी चुनाव से पहले दल बदलने का खेल चलता है और अब वो शुरू हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, 2019 के लिए बीजेपी के अच्छे दिन बरकरार रहेंगे। बगावत के तेवर आपने देख लिए और स्थिति हरियाणा में भी ठीक दिखाई नहीं दे रही है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।